हेलो आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो बना रहे हैं आज कच्चे आलू और लौकी की सब्जी जिसके लिए मैंने एक कुकर में अब बिल्कुल ये झटपट बन जाता है मैंने कुकर को गर्म करके उसमें सरसों तेल एक चम्मच लिया उसमें चौथाई चम्मच सरसों के दाने चौथाई चम्मच जीरा और चुटकी भर मैंने मेथी दाना लिया है आप जब भी बनाए ना लौकी की सब्ज़ी तो उसमें मेथी ज़रूर यूज़ करें मेथी दालचीनी ये दो चीज़ ऐसा है जो लौकी के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देता है अब इसमें अदरक कुटा हुआ मैं दे रही हूँ थो एक इंच के लगभग और अदरक डालने के बाद थोड़ा सा छनाए नहीं तो वो छिपकेगा फिर टमाटर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस सब्ज़ी में ना प्याज डाल रही हूँ न लहसुन डाल रही हूँ फिर भी आप मेरे तरीके से ऐसे बनाएंगे ना तो आप बताएंगे कि कितनी अच्छी सब्जी बनी है तो टमाटर डाल के टमाटर को गलने के लिए मैंने चुटकी भर नमक डाला था और अब ढक्कन लगा करके टमाटर के गलने तक पकाएंगे उसके बाद फिर इसमें मसाला देंगे ये सब्ज़ी झटपट बन के भी तैयार हो जाती है और जो लौकी नहीं भी खाते हैं ना उनको भी पसंद आएगा क्योंकि इसमें लौकी का बहुत टेस्ट नहीं आता और हरी सब्जी की हरी सब्जी भी हो गई तो मैंने स्मॉल साइज़ के दो आलू लिए हैं तो ये मैंने हल्दी डाल दिया और लाल मिर्च पाउडर तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं धनिया पाउडर सब मैंने हाफ हाफ चम्मच लिया छोटे वाले चम्मच से और ये काली मिर्च पाउडर मेरे चैनल पे आपको कम तेल कम मसाले वाली सब्जी और झटपट बनने वाली सब्जी का वीडियो दिखेगा क्योंकि क्या होता है इतना इतने भागम भाग लाइफ में या वर्किंग है ये कसूरी मेथी मैंने डाल दिया देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है नीचे आपको कुकर के तली में दिख रहा होगा कि तेल भी छूट गया है और एक चम्मच घी घी इसलिए क्योंकि ये सब्जी जो ऐसे शुद्ध घी नहीं खाते हैं तो जैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ हमेशा दाल या सब्जी में ही डाल देती हूँ रोटी की जगह पे और मैंने आलू और लौकी दोनों कच्चे हैं दोनों को डाल दिया है और दोनों के साथ मसाले को पाँच मिनट स्लो पे ढक ढक के भुनेंगे और बीच बीच में आप चलाते रहें और हमेशा कभी भी छलनी को कुकर के साइड में ना मारें हाथ पे ठोके जिससे कि कुकर ऐसे कहता है कुकर में फिर प्रेशर लगना छूट जाता है तो ये आपको एक काम की टिप्स बता रही हूँ आप लोग अब पाँच मिनट मैंने भून लिया पानी दे दिए तो बिल्कुल सात्विक तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ और क्या है ना कि अभी के बिजी लाइफ में जो मैं कह रही थी बहुत टाइम नहीं रहता और झटपट कुछ बनाना हो और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए तो ये सब्जी आप एक बार जरूर ट्राई करें नमक पानी देने के बाद नमक टमाटर के साथ में दिया था उस हिसाब से स्वादानुसार नमक और उसके बाद इस पर दो सीटी मैंने मीडियम आँच पे लगाया था और थोड़ा सा स्लो देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में भुनते वक्त भी कितनी अच्छी लग रही थी अब ये जो आलू है एक आध आलू को आप मैश कर दें पीस को चूंकि ये आलू और लौकी की सब्जी तुरंत देखिए ग्रेवी बिल्कुल थिक होने लगती है तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं ऐसे रोटी या चावल के साथ खाने के लिए ये परफेक्ट है आपके पास धनिया पत्ती है तो ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश करें मैंने ऐसे ही आप लोगों किया है और ये मैं मिलेट की रोटी के साथ इसको आप लोगों को सर्व करके दिखा रही हूँ मिलेट की रोटी का वीडियो भी आप लोग कहेंगे तो मैं डाल दूंगी तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा ऊपर से मैंने तेजपत्ता जो तड़के में दिया था वो रख दिया था बाद में इसको निकाल देते हैं तो आप लोग को देखिए ज़रूर ऐसे बनाइए और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब